Very good evening, my dear second standard children. It's me, Upendra sir, here. I missed you a lot today. I could not come for the class today online. So, Upendra sir has planned to make you a video class today. As you had the other class last time, just like that, you will be watching this video too very clearly okay children so uh, there is a new poem we are going to learn today the name of the poem is my clock my clock Mary. ghadi okay children the name of the poem is my clock it's in page number 28 of your starburst english book kaun sa book hai? starburst english book okay wahan se पेज नंबर ट्वेंटी एट में हम हैं आज का पोएम का नाम है माय क्लॉक के चिल्ड्रन माय क्लॉक मतलब क्या है माय क्लॉक हमें क्या पढ़ाएगा सर व्हाट व्हाट दिस क्लॉक वांट्स टू स्पीक विद अस ओके क्लॉक इज नॉट स्पीकिंग द पोएट इज गोइंग टू स्पीक विद अस टुडे through a short poem naming my clock okay my uh, i'm going to read for you th throughout the poem once okay i will read for you the poem throughout once so that you can hear and listen to it very carefully how uh, sir is pronouncing each of the words okay children be very careful of how you should pronounce okay the words so i'm going to read it without wasting time okay children my little clock my little clock he lives upon the shelf he stands on four round golden feet and so supports himself his face is very white and clean his hands are very black he has no soap to wash them with and suffers from the lack he holds them up his grimy hands and points at me all day make haste make haste and moments the moments waste okay children this is how you should read the poem and by heart in your memory so that you shouldn't forget it ever okay children this may come for your exam next time okay uh, in your question how they will ask write four or five lines if you write first four lines of the poem named my clock ऐसे ही लिख लिखोगे ओके बिफोर इन द इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू कि द स्टाइल ऑफ राइटिंग एनी पोएम शुड बी समथिंग डिफरेंट नॉट लाइक हम जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिख देते हैं मैथ्स द फॉलोइंग लिख देते हैं ऐसे नहीं कि नहीं उस तरफ चार पांच वर्ड्स लिख लिया उसके बाद नीचे उस साइड में जगह नहीं है तो नीचे लिख लेते हैं ऐसे नहीं poem hai okay i have already told you many times uh, the uh, the way of writing poem so you need to write it as it is given in your book okay children the style of writing poem is that so abhi ये घड़ी हमें क्या बताना चाहती है ओके घड़ी मतलब ये पोएम हमें आ, पोएट लिख के समझाए हैं कुछ बातें समझाने के लिए हमें ये पोएम दिए हैं तो ये पोएम के दौरान हमें आ, ये पोए पोएम के थ्रू ओके द्वारा हमें कुछ समझाने चाहते हैं कि घड़ी प्यारा हमारा घड़ी जो हमें आ, हम पहनते हैं ना वो क्यों पहनते हैं वो हमें हमारा हर घड़ी को याद दिला देता है ओके उपेंद्र सर इट्स योर टाइम टू गो फॉर सेकंड क्लास उपेंद्र सर इट्स योर टाइम नाउ टू गो टू द थर्ड क्लास उपेंद्र सर इट्स योर टाइम फॉर फूड इट्स योर टाइम फॉर ब्रेकफास्ट ओके इट्स योर टाइम टू स्लीप डोंट वेस्ट योर टाइम ओके इट्स टाइम टू गो टू स्कूल हरिअप

उसी के बारे में बोला है ओके हर घड़ी हमें याद दिलाते रहती है क्या क्या करना है आ, मतलब क्या क्या करना है नहीं मतलब आ, याद दिलाता है कि मैं कभी किसी के लिए रुकूंगा नहीं बस समय का बर्बाद मत करो जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी, -जल्दी करो ओके जल्दी जल्दी करो समय का बर्बाद मत करो मैं इसको हिंदी में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ हिंदी में एक बार तुम लोग को बोल देता हूँ माई लिटिल क्लॉक माई लिटिल क्लॉक मेरी छोटी घड़ी मेरी छोटी घड़ी ही लिव्स अपॉन द शेल्फ वो कहाँ पे रहता है ही लिव्स अपॉन द शेल्फ वो शेल्फ के ऊपर ही उसका जीवन ओके okay. वो वहीं पे रहता है हमेशा हिस्टैनज ऑन फोर राउंड गोल्डन फीट हिस्टैंड ऑन फोर राउंड गोल्ड एंड फीट वो कैसे खड़ा होता है वो खड़ा रहता है हमेशा वहीं पे अपने चार गोल गोल सोने के पैरों पर एंड सो सपोर्ट हिमसेल्फ ऐसे ही अपने खुद को एडजस्ट करता है अपने पैरों से करके खड़ा होता है इस फेस इज़ वेरी वाइट एंड क्लीन अपना चेहरा Uh, मतलब उसका घड़ी का चेहरा कैसा है पूरा सफेद और साफ सुथरा रहता है हमेशा हिज हैंड आर वेरी ब्लैक अपना हाथ उसका काला है ओके okay? हाथ दो उसका काला है तुम समझ रहे होंगे दो हाथ का मतलब वो घड़ी के अंदर दो हाथ क्या है घड़ी के अंदर दो हाथ क्या है ओके okay, चिल्ड्रेन ही हैज़ नो सोप टू वाश देम विथ उसके पास साबुन भी नहीं है हाथ धोने के लिए ओके एंड सफर्स फ्रॉम द लैक लैक मतलब ना होना के okay? ना रहना ओके okay, चिल्ड्रेन hmm. हमारे पास जब कुछ लैक होता है कि नहीं हमारा कभी लैकिंग मतलब दिमाग में लैक होते हैं हमारा ज्ञान नहीं रहता है हमारा क्या नहीं रहता है बुद्धि नहीं रहता है तो हम प्रेयर करके गॉड से मांगते हैं कि नहीं गॉड आज आज मैं कुछ क्लासेस अटेंड करूंगा स्कूल में मुझे उनको समझने के लिए ज्ञान दो बुद्धि दो कि नहीं प्रेयर करके चलते हैं तो लैकिंग वी लैक मेनी थिंग्स सो वी आस्क टू गॉड है ना ऐसे ही ये घड़ी भी साबुन आ, घड़ी के पास क्या लैक हो रहा है साबुन नहीं है इसलिए वो क्या कर कर रहा है बहुत पछता रहा है ओके ही होल्ड्स देम अप वो ऊपर ही उठा के रखा है देखो हर घड़ी पिक्चर में देखो घड़ी का पिक्चर्स में देखो मैं जूम करके तुम लोग को दिखा रहा हूँ देखो हाथ सब हाथ सब ऊपर ही करके रखा है ओके क्यों गंदा लग रहा है उसको भी ओके उसको भी गंदा लग रहा है और वो बिना धोए वो ऊपर पकड़ा है और उसका हाथ हमेशा मेरे तरफ पॉइंट किया हुआ है एंड पॉइंट्स एट मी ओके ग्रिमी हैंड्स मतलब क्या है ग्रिमी मतलब नीचे दिया है तुम लोग को देखो डर्टी के okay, गंदा के okay, गंदा हाथ को उठा के रखा है नीचे करने के लिए उसको अच्छा नहीं लगता है ओके okay? ऐसे ही उठा के क्या कर रहा है हम हमारे तरफ दिखा के रखा है बोल क्या रहा है बोल रहा है कि मेक हेस्ट ओके एंड पॉइंट्स एट मी ऑल डे पूरे दिन मेरे तरफ ही दिखा के खड़ा हुआ है ओके okay? क्या बोल रहा है मेक हेस्ट मेक हेस्ट द मोमेंट्स वेस्ट जल्दी करो जल्दी करो समय बर्बाद हो रहा है ओके okay? जल्दी करो जल्दी करो समय बर्बाद हो रहा है ऐसे बोल रहा है ओके okay, चिल्ड्रेन तो ये छोटा सा पोएम ब्यूटीफुल पोएम तुम्हें बस समय हमारा हमारा क्लॉक क्या क्या काम करता है माइकॉ क्लॉक के बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए तुम लोग समझ गए ना अभी जैसे तुम लोग समझ गए कि समय हमे, हमें हमेशा याद दिलाती है इट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड है ना इट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इट डज़ नॉट स्टॉप फॉर एनी बडी बट वी वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट ओके चिल्ड्रन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव लर्नड इट थरौली सो उपेंद्र सर पढ़ तुम्हें एक बार पढ़ के सुना दिए ना तो पीछे जाके फिर से कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं सर उसको सुनने के लिए यू कैन गो बैक रिविंद वीडियो के रिविंद वीडियो गो बैक ए लिटल बिट इफ़ यू वन एव यू हैव डाउट ओके सो यू डोंट हैव टू हेस्ट हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना है ओके okay? वीडियो को आराम से देखो जब तक समझ ना आए ओके टिल यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन वॉच द वीडियो ऑफन सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास टू डे चिल्ड्रेन अ ब्यूटिफुल पोएम द नेम ऑफ द पोएम वॉज माई क्लॉक सो थैंक यू फॉर लिसनिंग चिल्ड्रेन आई होप यू मस्ट है वीडियो ओके आई होप यू आर गोइंग टू श्योरली वॉच द वीडियो टिल द एंड सो टेक केयर चिल्ड्रेन बाय वी विल मीट इन द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास ओके एंड सी देर आर एक्सरसाइज गिवन हेयर ऑल दिस एक्सरसाइज आई विल फिल इट आप पहले क्या पूछा है देखो द स्पीकरस चूज द करेक्ट आंसर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं द स्पीकर लिटिल क्लाक स्टैंड कहाँ पर खड़ा रहा इन द किचन ऑन द टेबल ऑन द शेल्फ हाँ ऑन द शेल्फ तो ऑन द शेल्फ को क्लिक क्लिक कर दोगे साइड में ओके तो द फेस एंड देंडस ऑफ द क्लाक आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स दे डू डिफरेंट जॉब्स क्या है दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स है क्या दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स वो अलग अलग कलर हैं इसीलिए वो अलग अलग शेप में हैं इसीलिए वो अलग अलग काम करते हैं है ना दे डू डिफरेंट जॉब्स को क्लिक करना है ओके एंड देन वाई आर इट्स हैंड्स ब्लैक उसके हाथ काला क्यों है बिकॉज दे आर डर्टी बिकॉज दे हैव बीन पेंटेड ब्लैक क्यों बिकॉज दे आर डर्टी और बिकॉज दे आर बिकॉज दे हैव बीन पेंटेड ब्लैक सोच के आंसर करो ओके okay? तुम्हारा पोएम में क्या है डर्टी है लेकिन यहाँ पे क्या है पेंट ब्लैक क्या हुआ है कैसे आंसर करोगे दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रन ओके दिस इज योर होमवर्क यू शुड टेल मी ओके थ्रू व्हाट्सएप हाउ हैव यू अंडरस्टूड ओके एंड सेकेंड क्वेश्चन देखो पिक द लाइन दैट मीन्स द हैंड्स आर डर्टी बिकॉज देर इज़ नो सोप टू वॉश देम विथ साबुन नहीं था इसलिए वो अपना हाथ धो नहीं पाया बोल के कौन सा लाइन ऐसे पोएम में बोला है उसको पिकअप करो बोल रहे हैं ओके okay? उसको पिक करके लिख दोगे नीचे ओके दैट इज दैट इज द आंसर मेक हेस्ट मेक हेस्ट द मोमेंट्स वेस्ट जल्दी करो जल्दी करो टाइम हो रहा है कि नहीं वेस्ट हो रहा है समय बर्बाद हो रहा है कौन बोल रहे हैं ये दीज वर्ड्स मीन ये वर्ड्स का मतलब क्या है पोएम में जो ऐसे बोले हैं ना उसका मतलब क्या है ए बोल रहा है यू मे हरी और वेस्ट टाइम बी क्या बोल रहा है हरी बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट यस ओके ए क्या बोल रहा है यू मे हरी और वेस्ट टाइम जल्दी करो और बर्बाद करो समय ऐसे नहीं बोला है ओके okay? जल्दी करो समय बर्बाद हो रहा है ओके okay? समय क्या हो रहा है समय दौड़ रहा है इसलिए तुम भी उसके साथ साथ करना है पाँच मिनट फिर से चला गया पाँच मिनट फिर से हमारे लिए नहीं आएगा है ना इसीलिए ओके सो बी इज़ द राइट आंसर ओके चिल्ड्रेन सो बी बी सेक्शन में देखो थिंक एन आंसर सोच के जवाब दो व्हाट वुड हैपन इफ़ वी टेक अवे द फोर राउंड गोल्डन फीट ऑफ द क्लॉक क्या होता हम अगर ये घड़ी का चार राउंड फीट गोल्डन फीट को गोल्डन पैरों को अगर हम निकाल दें तो कैसा होता क्या होगा उसको सोच के आंसर करना है ओके okay? उपेंद्र सर विल हेल्प यू डू देम सो टिल देन यू कैन वेट थैंक यू फॉर वाचिंग चिल्ड्रन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बाय